खुशखबरी है, आप देखें कि बड़ी संख्या में स्कूटी रखी गई है, जो दिव्यांग भाई बहनों को जो है ये सारी स्कूटियाँ दी जाएगी, वितरण की जाएगी। अगर आप राजस्थान में जन्म लिया है तो राजस्थान में बहुत भाग्यशाली है कि माननीय अशोक गहलोत साहब, जो कि ऐसे ही उनको जननायक नहीं कहते हैं, उनको जननायक काम की वजह से कहा गया है और उन्होंने काम करके दिखाया है। हर सरकार, हर सरकारी महकमा इस तरह से काम करे तो मुझे लगता है कि कोई भी वंचित न रहेगा, कोई दुखी न रहेगा। और हमारे दिव्यांग भाई बेटे देखो आज बड़ी आस लेके आए, सभी को स्कूटी मिलेगी और देने वाले भी बड़े प्रसन्न है, जो वितरण करने वाले हैं वो भी बड़े प्रसन्न है, काम अच्छा काम हमारे हाथों से होने जा रहा है। जो दिव्यांग भाई जिनको एक साइकिल के लिए धक्के खाने पड़ते थे, पूर्व में साइकिल नहीं मिलती थी, संस्थाओं के चक्कर काटते थे, कभी सरकार के चक्कर काटते थे, साइकिल मिलती थी तो आप जानते कैसी मिलती थी, आधी टूटी फूटी, लेकिन आज इतनी बढ़िया साइकिल। आप क्या कहेंगे इन भाई बहनों को जो साइकिलें मिल रही है, क्या इनके लिए बड़ी सौगात है? बहुत अच्छा है सर, ये तो सरकार के लिए बहुत ही बढ़िया, सरकार ने जो इन लोगों को जो दी है स्कूटी दी है तो बहुत बढ़िया काम किया है। आपके जीवन काल में कितने पहले जो दिव्यांग कितने तरसते थे साइकिलों के लिए? ये तो मैंने पहली बार देखा है, इतनी मेरी 50 साल की उम्र हो गई और मैंने पहली बार देखा कि इतनी बड़ा यूं ऐसा कैंप लगा और ये स्कूटी वगैरह दिव्यांगों को दिया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। क्या हर सरकार को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? बिल्कुल, हर सरकार को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतना अच्छा वर्क कर, मतलब इतना अच्छा वर्क करे, मतलब बहुत बढ़िया वर्क कर रही है राजस्थान की सरकार। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए दिव्यांग आज के ज़माने में खेल खेल रहे हैं, खेल प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, जिनकी खेल में कोई भागीदारी नहीं थी उनसे भी जो है वो रहते थे, और आज देखिए इतनी बड़ी संख्या में स्कूटी वितरण कार्यक्रम होना और सभी को स्कूटी जो है वो मिल रही है। तो हमारे पास साथ में भाई दिव्यांग है, भाई है जो आज स्कूटी लेने के लिए आए हैं, और इतनी बड़ी संख्या में स्कूटी है राजस्थान में, 30,000 स्कूटी जो है वो दी जा रही है। आप भी अपना आवेदन कीजिए, अगर आप दिव्यांग है तो आप भी अपना आवेदन कीजिए और स्कूटी योजना से जुड़िए। जी बताएं कैसे आपने आवेदन किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली इसमें क्या, हमने गवर्नमेंट से विज्ञप्ति निकली थी, उसमें हमने क्या ऑनलाइन फॉर्म भरा, ऑनलाइन फॉर्म के बाद जो वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद सरकार ने स्कूटी वितरण करने का ये प्रोग्राम रखा है, आज से स्कूटी वितरण की जाएगी। दिव्यांग भाई बहनों के लिए राजस्थान की सरकार एकमात्र सरकार जो कर रही है, और कौन सी सरकार स्टेट में कर रही है? क्या हमें तो राजस्थान में तो अशोक गहलोत अच्छा कर रहा है दिव्यांगों के लिए, क्या हमने तो देखा है समाज में रहते तो पता चल ही जाता है कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई भी दिव्यांगों का हित कह सकते हैं अशोक गहलोत को, सभी का हितैषी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, हम तो सबके दिले हम तो साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो है राजस्थान को दोबारा नहीं मिलेंगे, मैं तो जनता से अपील करूंगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को एक बार फिर से मौका दे और अशोक गहलोत 4.0 का आगाज करे। तो आप देख सकते हैं हर व्यक्ति यहाँ पर तारीफ कर रहा है, सरकार की तारीफ कर रहा है, काम की प्रशंसा हो रही है यहाँ पे, और सभी आज स्कूटी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, धन्यवाद, और आशा सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए धन्यवाद देते हुए नहीं थक रहे हैं सभी, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं सरकार का कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एक ही शब्द निकल रहा है। आप भी स्कूटी लेना है, कैसा लग रहा है आज? तो बड़े अच्छे लग रहे हो आप तो, हैं क्या कहना चाहोगे देश के लोगों को? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, धन्यवाद। क्या दिया आपको सरकार ने? अरे ये स्कूटी दी है सरकार ने, क्या दिया मुझे? स्कूटी दी है और इतनी चकाचक स्कूटी दी है, इसको क्या कहाँ चलाओगे, क्या करोगे? चलाएंगे, कुछ काम करोगे? हाँ, क्या करते हो? ऑफिस, ऑफिस में जाते हो? हाँ, कौन से? कंप्यूटर शॉप की दुकान है। अरे वाह, कंप्यूटर शॉप की दुकान है, और अब ये स्कूटी और मिलना आपके लिए तो आज तो आपकी वो क्या बोलते ना, तो आज तो रामनवमी हो गई साहब, आज तो रामनवमी तो वहाँ मनाई जा रही है, लेकिन आज सबकी रामनवमी बहुत अच्छी मनी है सबके लिए, सौभाग्य की बात है। तो देखें सभी को स्कूटी मिलने वाली है और इतनी बड़ी संख्या में स्कूटी मिलना दिव्यांग भाई को भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी बात है, हर कोई यहाँ पे प्रशंसा कर रहा है। तो देखे कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज हीरो कंपनी की ओर से ये पूरी स्कूटी जो है वो दी जा रही है, हमारे साथ भाई साहब है, कितना अच्छा लग रहा है आपको और क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे विकलांग लोगों की लाभार्थियों को इनको सेवा करने का मौका मिला, ये मौका मुश्किल से किसी को मिलता है, इसके लिए मैं गवर्नमेंट का, CM साहब का और DLO साहब का, सबका आभारी रहूँगा, हमें ये सेवा का मौका दिया
और आगे भी निरंतर हमें ये सेवा का मौका मिलता रहे, इसी मैं सबसे आशा करता हूँ। धन्यवाद। आने वाले अभी समय में पेट्रोल बड़ा महंगा है और दिव्यांग भाई में ऐसे में इनके आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि इनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दे और कम रियायत में इनको करंट की सुविधाएं भी मिले? बिल्कुल सर, ये मतलब ये हमें एप्लीकेशन आगे दे रखी है। अभी बैटरी और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर से ऐसी ढंग की गाड़ियाँ आ नहीं रही है, तो जैसे ही ये अगर हमें अच्छी क्वालिटी की स्कूटर इलेक्ट्रिक उपलब्ध होंगे तो आगे से इलेक्ट्रिक स्कूटी ही हम प्रीफर करेंगे देना इनको। और ये काम जल्दी हो जाता तो क्या परिवर्तन हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है सर, ये परिवर्तन अभी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है सर, बैटरी का काफ़ी इश्यूज आ रहा है हमारे पास, तो जैसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट होगी इनको इलेक्ट्रिक स्कूटी ही दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने बहुत ही अच्छा काम नेक काम में सहयोग कर रहे हैं और हमारे देखिए सारे लोग यहाँ पे बड़े प्रसन्न भाव से बैठे हुए हैं कि इन सबको स्कूटी मिलने वाली है और जब स्कूटी मिलेगी तो हम इनको ले जाते हुए इनके खिले हुए चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे एक एक। कुछ दो शब्द आ जाओ इधर जी, कैसा लग रहा है आज ये स्कूटी जब अपने दिव्यांग भाई बहनों को मिलेगी, सरकार का क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? सरकारें बहुत सारी सरकारें वादे करती है लेकिन ये अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ कर दिखाया आपको? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया काम करा है। जैसे कि आज अगर देखा जाए तो अगर स्कूटी लेने जाए तो भी ये 1,20,000 1,25,000 समय थी इक्विपमेंट के समय पड़ती, तो आज ये दिव्यांगजनों को जो स्कूटी वितरित की गई है इसके लिए राजस्थान सरकार और अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस तरीके से सामाजिक न्याय आधिकारिकता विभाग के अंदर जो नई नई योजनाएं निकलती जाती है, इन योजनाओं को मेरी सबसे अपील है कि इन योजनाओं का लाभ उठाएं। इन योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे लाभ उन दिव्यांगजनों को, उन विधवा महिलाओं को, उन बुजुर्गों को, उन अनाथ बच्चों को मिलेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। एक जमाना था जब दिव्यांग भटकते थे इधर उधर, साइकिल तक नहीं मिलती थी और आज इनको इतनी बड़ी की, आप क्या देख रहे हैं? आप दो शब्द आप बोले। नहीं नहीं, आप ही बोल रहे थे जी। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा कार्य है। पहले देखा जाता था, पहले साइकिल के लिए भटकते थे लेकिन आज एक जगह एकत्रित होकर आज ये जो जिस तरीके से स्कूटी वितरण की जा रही है इन लोगों को, दिव्यांगजनों को, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा मैं अशोक गहलोत साहब को और राजस्थान सरकार को, और इन्हीं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं इन दिव्यांगजनों को जिनको ये स्कूटी वितरित की गई है, ताकि ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अच्छी बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे और अपनी एक आजीविका बना पाएंगे। तो आप देखिए कि गहलोत सरकार ने जो सौगात दिव्यांग भाई बहनों को दी है, आज स्कूटियाँ इनको मिलने वाली है और स्कूटियाँ मिलने वाली नहीं, मालिक बना दिया है सभी को। अब ये अपनी मर्जी से चला सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। इनका सफ़र जो है वो बड़ा आसान हो गया है। इनके परिजन, इनके रिश्तेदार सभी देखने के लिए आए हैं। हमारे कुछ युवा है देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है ना, क्या देख रहे थे आप? हम स्कूटी देख रहे हैं। हाँ, जो सरकार की तरफ से दिव्यांग लोगों को दी गई है, उसके बारे में बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। क्या आपका भाई भी विकलांग होता? हाँ। दिव्यांग होता और उसको भी मिलती, कितनी खुशी होती है आज? बहुत बहुत खुशी की बात है क्योंकि उनको जरूरत भी है इन चीज़ों की और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम। आज ये दिव्यांग आए ऐसा लग रहा है जैसे हमारे भाई बहनों को मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है माहौल है, सभी की खुशी की ठिकाना नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं है। तो देख सकते हैं आप ये नज़ारा आपके सामने है और अगर आपको चैनल की खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए बड़ी संख्या में, अगर आप भी अपने स्टेट में हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, नागालैंड से हैं, मणिपुर से हैं, जहाँ से अपनी अपनी सरकारों को बताइए, ये वीडियो बताइए और कहिए कि इस तरह की व्यवस्था कीजिए। जी बताएं कैसी, कितना अच्छा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। और मैं तो, मेरा तो ये कहना है कि हर स्टेट को ये मॉडल अपनाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि दिव्यांगों के प्रति जो संवेदनशीलता अशोक जी गहलोत साहब में है उतनी मैंने कहीं नहीं देखी पूरे भारत में ये चीज़ें। और ये मॉडल है हर स्टेट के लिए, मॉडल है पहली बार हर स्टेट के मुख्यमंत्री महोदय को मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, हर प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को मैं ये कहना चाहता हूँ, यही मॉडल माननीय मुख्यमंत्री जी का और आपके वहाँ के अधिकारियों को यहाँ भेजा जाए। पहली बार आपको साइकिल कब मिली थी? पहली बार बहुत साल हो गए, 90 कितने पापड़ बेलने पड़े थे? 80 बहुत 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 बहुत, मतलब मैं क्यों शब्द नहीं है। और बहुत बहुत आभार है पूरे प्रदेश के दिव्यांग वर्ग का, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ पूरे प्रदेश के दिव्यांगों की तरफ से। देखिए आप कितनी खुशी का ठिकाना नहीं है, जिन भाइयों को साइकिल के लिए भटकना पड़ता था आज उनको स्कूटी मिल रही है।
और ये कर दिखाया है राजस्थान की सरकार ने, एकमात्र सरकार है राजस्थान की सरकार जिन्होंने ये सारा सार्थक कर दिखाया है। जिनको आज स्कूटियाँ मिलने वाली है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पास में निगम के पार्षद साहब पहुँचे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे भाई अरे क्या बात है। तो देखिए हमारे हाँ पार्षद महोदय भी हमारे बीच में आए हैं। बड़े भाई साहब पहले तो बताइए खुशी कितनी है आपको और इन भाई बहनों को आज ये साइकिल स्कूटियाँ देने वाले हो। राजस्थान के श्रीमान अशोक जी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने ये इतनी अच्छी स्कीम लागू की, आप देखिए इन सब जनों को आज जो कि हमेशा साइकिल पे और बेचारे कितना अपना परिश्रम कर रहे थे, आज सबसे बड़ा उदाहरण राजू भाई का है, राजेश जी को आज दिव्यांगों को उन्होंने इतना कुछ दिया जितना किसी सरकार ने दिया, वो सोचते हैं दिव्यांगों के बारे में तो उन्होंने लेके सबसे पहला तो एक नगर निगम में ये चीज किया भाई एक हर नगर पालिका नगर निगम में एक दिव्यांग पार्षद होगा, जिसका आप ताज़ा उदाहरण ये राजेश जी ने पास है। उसके बाद मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना जो चालू की है बहुत से पहले भी देख चुके और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री की उसी योजना के तहत इन सभी दिव्यांगों को आज नई स्कूटी दी जा रही है। इनके लिए खुशी की बात है, सरकार के लिए खुशी, हम सरकार से जुड़े हैं, हमें इतना सुख होता है कि आज ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है, ऐसी सरकार हमें मिली जो सबके बारे में सोचती है, नीचे वाले तबके के बारे में सोचती है और अच्छे लोगों के बारे में सोचती है। आज SC ST की स्कीमें देख लो, आज समाज कल्याण की स्कीमें देख लो, उसी के आज समाज कल्याण की स्कीम के तहत ही इन लोगों को नोडल एजेंसी बनाकर आज सभी मुख्यमंत्री द्वारा आज ये दी जा रही है। हमारे आदरणीय आज जो नेता लोग बैठे हुए हैं, लाल सिंह जी झाला साहब, श्रीमान रघु सिंह जी मीणा साहब स्टेयरिंग कमेटी के मेंबर और हमारे गोप जी भाई साहब जो शहर अध्यक्ष हैं, अंदर सभी बैठे हैं। आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है जिसमें जितने भी लाभार्थी हैं उन सब लाभार्थियों को यहाँ पर बुलाकर CM साहब खुद उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई सरकार ने जो आपको लाभ पहुँचाया या जो आपको कुछ दिया है तो आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जमीन स्तर पर, तो खुद उससे टॉक करें। इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री और इतनी संवेदनशील सरकार अपने को देखने को नहीं मिलेगी। मैं तो सभी से जनता से भी अपील करता हूँ, जितने भी लोग लाभार्थी उनसे भी अपील करता हूँ वापस अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करके वापस सरकार कांग्रेस की बनाए ताकि वापस आपकी जनसुविधा और जितनी भी आपको लाभ की जान और आगे बढ़ के आपके आगे सामने। धन्यवाद। तो जब तक व्यक्ति सिस्टम में नहीं जाता है तब तक व्यक्ति का भला नहीं हो सकता और इसी प्रकार उदाहरण है हमारे भाई साहब राजेश जी सिस्टम में गए और सिस्टम में जाना ही पड़ता है, सिस्टम में जाने से ही हमारी बात आगे तक पहुँचती है। आज राजनीतिक पद पर भी है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप अपनी दिव्यांग भाई बहनों की बात आगे तक पहुंचा सकते हैं, कितनी खुशी है आज। आज बहुत खुशी है, मेरे जो दिव्यांग परिवार है उनको सभी को एक्टिवा दी गई सरकार की तरफ से गहलोत साहब ने, जो ये खरीद भी नहीं सकते थे जिनकी बात ट्राई साइकिल चलाई थी, मैंने भी ट्राई साइकिल चला के मेरा भी धंधा करा है, जो आज मेरे भाइयों को गाड़ी मिली है तो उससे भी ज़्यादा खुशी मेरे को हो रही है। आज मेरे दिव्यांग भाइयों को गाड़ी मिली है और मेरे जन नायक अशोक गहलोत ने हमारे गरीबों की सुनी, विकलांगों की सुनी, पार्षद बनाया, मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश भाई का। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार से ये भी अपील करता हूँ इस बार विधानसभा में दिव्यांगों की भागीदारी हो, दिव्यांग भाई बहन भी विधायक बने, दिव्यांग भाई बहन भी सांसद बने और मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री भी बने। बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी सोच है आपकी और जैसा सरकार और जैसा मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं उस प्रकार से, जो दिव्यांगों के लिए पहली बार ऐसा हुआ है सरकार में, किसी ने कितना कुछ किया है तो आगे उनकी सोच बढ़ेगी, उसमें भी कुछ बड़ा निर्धारित होगा और उसके लिए भी परिश्रम करेंगे। देखिए सरकार अब चल रही है, अभी 5-6 महीने जो सरकार के बाकी है और लोग चाह रहे हैं कि वापस डबल स्पीड से सरकार वापस आए, तो आने वाले समय मुझे लगता है कि ये क्रियान्वयन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकलांग भाई बहनों को, दिव्यांग भाई बहनों को, सॉरी दिव्यांग भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी सौगात हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दी है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं और स्कूटी मिलने पर आपको अग्रिम और भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।